नीमच से सटे धनेरिया कला स्वर्गीय श्री भवरलाल जी नागदा अपियम अल्कोलाइट रिटायरमेंट के पोते भगत राम शर्मा के सुपुत्र गोपाल शर्मा देश की सेवा कर 22 वर्ष पूर्ण कर सकुशल अपने परिवार के बीच ग्राम धनेरिया कला में बहुत ही शानदार ग्रामवासियों ने पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। वहीं गांववासी डीजे की धुन पर देशभक्ति के गीत पर नाचते झूमते बड़ी शान से गाँव में तिरंगा के साथ प्रभाती निकालकर देश के सपूत गोपाल शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। इन्होंने अपनी सेवा महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान के नसीराबाद और अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के हिम्मतनगर से सेवा देकर सकुशल अपने गांव धनेरिया पहुंचे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मैं हूं रतन पंडित। आज ग्राम धनेरिया कला में गोपाल शर्मा जो देश की सेवा करके वापस अपने वतन, अपने गाँव सकुशल लुटने पर हम उनसे कुछ वॉइस ऑफ एमपी की टीम उनसे चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप कहाँ से जी, कहाँ ड्यूटी करी आपने? मैंने प्रश्न में 2000 के अंदर महाराष्ट्र, फिर पठानकोट, फिर जे एंड के, राजस्थान जसई, उसके बाद यूपी बबीना, फिर पटियाला और फिर मैं वापस नसीराबाद होते हुए महाराष्ट्र लास्ट 22 साल पूरे करके अपने घर वापस आया। आपने कितने साल की सर्विस करी है? मैंने 22 साल सर्विस। अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? देश सेवा हो गई, अभी परिवार की सेवा करनी है। आप कैसे महसूस कर रहे हो आप जब आए? बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। आप बताइए, आप इनके पिताजी साथ में, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। बोलिए सर जी। ये चर्चा है कि मेरा फौज था, मैंने उसको फौजी बनाया, उसकी फौज ज्यादा कराया, अब ये आके खेती बाड़ी संभाले, मेरे को रिटायर करे, ये रिटायर हो गया। मैं चाहता हूँ आप कितने खुश हो, ये बताइए आप। बहुत खुश हूँ दिल से, पूरा गाँव खुश है। मेरे क्या कोर्ट भी हमारे साथ में कुछ सदस्य, उनसे पूछेंगे। बेटा आप बोलिए, क्या महसूस कर रहे हो आप? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कुछ हमारे साथ में गांव वाले भी हैं, हम उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे। चंकी भाई बताइए, आज आपने जो मित्र आया उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? बहुत खुशी हो रही है हमें कि आज हमारे गांव का एक फौजी रिटायर होकर आज घर आया है। पूरा गांव मतलब देश के लिए पूरे जुलूस में घूम रहा है और बहुत आनंद से फौजी को विदाई लेके घर ले जा रहे हैं। बहुत खुशी है, ऐसे फौजी हमेशा हर गाँव से, हर शहर से निकले और हमें गर्व होगा कि देश सेवा के लिए पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। अभी आप कहाँ से रिटायरमेंट हुए? अभी कहाँ से रिटायरमेंट हुए? अभी महाराष्ट्र अहमदनगर। अहमदनगर महाराष्ट्र, ठीक है। ये थे हमारे साथ में फौजी जिनसे हमने चर्चा की है। भाई साहब एमपी के लिए कैमरामैन जयप्रकाश शर्मा के साथ रतन पंडित की रिपोर्ट।